सियालकोट से खबर शामिल करते हैं, जहां पर गुज़श्ता दिनों थाना मुरादपुर के इलाके CTI में ख्वाजा अब्दुल्ला ने लेन देन के तनाजा पर इस्माइल परवेज पर कातलाना हमला करते हुए फायरिंग करके उसे शदीद जख्मी कर दिया था। बाद अजा मुलजिम अपनी ही गोली लगने से जख्मी हो गया था। मुलजिम ख्वाजा अब्दुल्ला के खिलाफ मुतलका थाने में मुकदमा दर्ज है। बासर होने की वजह से मुलजिम को अभी तक जेल नहीं भेजा गया, बल्कि अलामा इकबाल मेमोरियल हस्पताल में तकरीबन एक माह से जेर इलाज है, जबकि मसरूफ परवेज जिसके टांग से गोली निकालने के लिए ऑपरेशन हुआ था उसे अस्पताल इंतजामिया ने छुट्टी देकर घर भेज दिया है। ख्वाजा अब्दुल्ला की तरफ से मुख्तलिफ बाअसर शख्सियात इस्माइल की बेवा माँ पर सुलह के लिए दबाव डाल रही हैं ताकि मुलजिम जेल जाने की बजाय हस्पताल से ही घर चला जाए। चेयरमैन मसीही तहरीक मेदारी डॉक्टर आदिल कोरी ने सूरत हाल पर गहरी तश्वीश का इजहार किया है और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से इस्तदा की है कि बेवा माँ को इंसाफ दिलाया जाए।